Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And today I am here with the new lecture of class plus 2 physics, that is the current and electricity topic. And students, as we discuss the Ohm's law, and we also discuss some terms resistance, resistivity, and today I am here with the few terms that are related to this resistivity also. First one is conductance and second one is electrical conductivity. And after discuss these two terms, we will discuss the microscopic form of the Ohm's law, that is very important for your syllabus. And students, conductance, what is the conductance? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस के बारे में. रेजिस्टेंस क्या थी? द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द करंट. अब कंडक्टेंस आप खुद डिटरमाइन कर सकते हो यहाँ से कि कंडक्टेंस क्या होगी, कि एक कोई कंडक्टर है वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आप में से पास आउट होने दे सकता है, वो उसकी क्या होगी? कंडक्टेंस. तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है. द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ द ईज विद विच द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू इट. मतलब कि कितना इजीली उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो सकता है, उसको आप क्या बोलोगे? कंडक्टेंस बोलोगे. ठीक है, उसके बाद है कि इट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के क्या होगा? रेसिप्रोकल. क्योंकि देखो, जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, जितना रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, उतना ही कंडक्टेंस क्या करेगी? इंक्रीज करती जाएगी. सिमिलर है, अगर रुकावट कम हो रही है तो जो इजीनेस है वो बढ़ती जाएगी. और यहाँ पर जो इसको हम सी सिंबल से डिनोट करते हैं, और जो ऐसा यूनिट है वो इसकी है मो. देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम, वन बाय ओम. ओम को जब आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे, उसको आप क्या लिखते हो? मो. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ऐसे यूनिट क्या है? मो. और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ओम माइनस वन या ओम इनवर्स. और एक चीज़ और इसको बोल सकते हैं, दैट इज़ साइमन. क्या बोल सकते हैं? साइमन. तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? मो, ओम इनवर्स, या फिर हम बोल सकते हैं साइमन. ओके, नेक्स्ट टर्म इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अब हमने लास्ट में एक टर्म पढ़ी थी रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी क्या था? रेजिस्टिविटी क्या था? आर इंटू एल बाई ए. अब हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी क्या होगी? रेसिप्रोकल है इसका रेजिस्टिविटी का. तो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय अ लेटर सिग्मा. तो सिग्मा इज इक्वल टू वन बाय रो. आपको याद होगा रो की यूनिट क्या थी? ओम मीटर थी ना. तो ये उसका रिवर्स है. तो रेसिप्रोकल करेंगे क्या बन जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ये बन गया यहाँ पर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. या फिर हम इसको ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हैं? मो. ठीक है, एम एच ओ. तो मो इंटू एम रेस्ट पार माइनस वन. या फिर जो मो है उसको क्या बोला जा सकता था? साइमन. और हम इसको क्या बोल सकते हैं? साइमन पर मीटर. ठीक है, या फिर साइमन मीटर इनवर्स. ठीक है, एंड द डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है वो देखते हैं. यस, जो हमारे पास डायमेंशंस है वो क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पर है वन बाय रो. ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या थी? रो की वैल्यू हमने पीछे अभी डिस्कस की थी, एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम. ठीक है, ये आप वैल्यू निकाल चुके हो रो की, एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम. तो यहाँ पर जो हमारे पास एन की लिमिट है वो क्या, उसकी डायमेंशंस है वो क्या होंगी? एल क्यूब माइनस क्यूब ए ई की चार्ज की जो हमारे पास डायमेंशंस हैं, ए टी का स्क्वेयर. एंड जो टो है वो हमारे पास क्या था? टाइम. एम इज़ द जो मास. ये हमने कहाँ से निकाला था? मोबिलिटी वाला, आपको याद होगा. तो वहाँ से हमने रो की वैल्यू यहाँ पर पुट की. तो कितना बन गया हमारे पास? एम रेस्ट पर माइनस वन, एल रेस्ट पर माइनस थ्री, टी क्यूब, ए स्क्वेयर. तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. And students, now we discuss the microscopic form of Ohm's law. And this form of Ohm's law gives us the relation between the current density J. Applied electric field in a conductor is known as vector form of Ohm's law. Students, हम यहाँ पर एक new term पढ़ रहे हैं, that is करंट डेंसिटी. अब करंट डेंसिटी आपने वैसे पढ़ा था करंट पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको कैसे करेंगे. देखिए, हमने एक रिलेशन जो है वो ड्राइव किया.
हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था, आपको याद हो, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यही आया था हमारा रिलेशन। यहाँ पर n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इज द चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला निकाला था, वो टॉ की फॉर्म में, वो क्या था, ई ई इंटू टॉ डिवाइडेड बाई एम। दोनों फॉर्मूले आई होप कि आपको याद होंगे, दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। अब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, इसमें ई को हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो जो हमारे पास वी डी है, क्योंकि वी डी हमारे पास क्या होती है, ई वी टॉ डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या करेंगे, हम जो सेकेंड इक्वेशन है, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ई ई टॉ बाई एम, ई ई टॉ नहीं ई, यस यहाँ पर ई ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ई टॉ बाई एम जो वी डी की वैल्यू आई है, उसको हम कहाँ पुट करेंगे, इन टू द इक्वेशन वन, या आप रफली लिख सकते हो यहाँ पर साइड में, ताकि आपको याद रहे ये हमने रिलेशन ड्राइव किया था। नाउ वी पुट द सेकेंड इक्वेशन इन टू द फर्स्ट इक्वेशन, नाउ वी पुट द सेकेंड इक्वेशन इन टू फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ पर वी डी की, तो ऊपर हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, एन ई ए, वी डी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ई ई टो डिवाइडेड बाय एम। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, हमने यहाँ पर बना लिया एन ई स्क्वायर ई टो डिवाइडेड बाय एम। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो रो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, यही हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो क्या बन रहा है, एन ई स्क्वायर टो डिवाइडेड बाय एम, उल्टा है ना रेजिस्टिविटी का, यानी कि वन बाय रेजिस्टिविटी बन रहा है, तो उसको हम क्या लिख लेंगे, दैट कैन बी रिटन एज, यहाँ पर एरिया रह गया सॉरी ऊपर, तो वन बाय हमारे पास क्या बन जाएगा, वन बाय रो, रो किसको हम बोलेंगे, हमारे पास बन रहा है एन ई स्क्वायर टो डिवाइडेड बाय एम, यानी कि ये वाली टर्म, ये सारा, ठीक है ना, ये क्या बन रहा है, वन बाय रो, तो वन बाय रो इनटू हमारे पास क्या आ गया, ए ई बच गया, ठीक है। इधर क्या आ रहा है, करंट। अब देखो करंट जो एरिया है हम उसको डिवाइड में लेकर जा रहे हैं, करंट अपॉन एरिया क्या बच गया, वन बाय रो ई इंटू ई, ठीक है। तो वन बाय रो, अब रेजिस्टिविटी का क्या है, रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, कंडक्टिविटी, तो क्या हम इसको कंडक्टिविटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते, क्या लिखेंगे देखो, आई बाय ए तो हम ऐसे रहने देते हैं, वन बाय रो को हमने लिख दिया कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा ई, ये जो है ना करंट पर यूनिट एरिया, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होगी, हमारे पास ये रफ में लिख लेते हैं, जे इज इक्वल टू आई बाय ए, तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज द करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया, सो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ओम्स लॉ की, ओके। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हमने फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वे, यहाँ पर जो है हमने रिलेशन ड्राइव करना है करंट डेंसिटी और हमने किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलते हैं। हमारे पास करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, ऊपर से जो वी डी है
वो भी हमने ड्राइव किया था ई टॉ डिवाइडेड बाय एम, तो हमारे पास क्या था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ वी डी इन टू फर्स्ट इक्वेशन, जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया। और हमने नोट किया कि रो इज इक्वल टू क्या होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, और हमारे पास ये रो का फॉर्मूला बन रहा था। तो वन बाय रो इज इक्वल इन टू ए, वन बाय रो हमें पता है हमने अभी डिस्कस किया था क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन टू ई। और आई अपॉन ए, आई अपॉन ए को हम क्या बोलते हैं करंट डेंसिटी, दैट मीन्स द करंट पर यूनिट एरिया। और जे इज इक्वल टू सिग्मा ई हमारे पास बन गया, एंड दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सो स्टूडेंट्स आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड बेटर, एंड इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और आगे जो है अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करें, ताकि जो वीडियो है वो दूसरे भी इसको देखें और अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। ओके, थैंक यू।